जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी एक ब्रीफ स्पेल हुआ खासकर 30 नवंबर के आसपास, और कमिंग डेज में भी खासकर आज और कल के दरमियान जो है एक फीबल WD फिर से अफेक्ट रहेगा, फीबल WD का, जिसके कारण जो है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। बाकी 10 दिसंबर तक फिलहाल वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं, कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। 8 दिसंबर के आसपास भी एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लाउडीनेस या लाइट स्नो कुछ एक पहाड़ी इलाकों में रह सकते हैं। अदर देन दिस फिलहाल कोई मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है नहीं है, तो वेदर जनरली कोल्ड एंड ड्राई रह सकता है पूरे वैली के अंदर। और जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो है सुबह शाम थोड़ा सा ठंड जो है तो आपका टेम्परेचर फॉल होने के चांसेस हैं, और जम्मू डिवीजन में भी वेदर अमूमन ड्राई रह सकता है। देखो ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने देखा अलिनो का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था और विंटर रिलेटिवली वार्म रहा और ड्राई रहा, और प्रेसिपिटेशन बर्फबारी की बात करें, बारिशों की बात करें, बिल्कुल ना के बराबर हुई लगभग एंडिंग जनवरी तक। तो इस साल जैसे डिफरेंट ग्लोबल मॉडल्स के जो इंडिकेशंस हैं, तो पैसिफिक ओशन के ऊपर जो है खासकर लानिना जो है लार्जली प्रिवेल करेगा ज्यूरिंग पीक विंटर। तो अभी के हिसाब से फिलहाल वीक लानिना जो है वो ऑलरेडी डेवलप हुआ है, तो कोई मेजर एक्टिविटी फिलहाल 15 दिसंबर तक नहीं है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो लानिना ऑलरेडी जो ग्लोबल मॉडल्स ने फोकास्ट किया है तो ये कहाँ तक सच रहता है। तो जब भी यहाँ पे लानिना रहा है खासकर पैसिफिक ओशन के ऊपर, तो विंटर जो है यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा हार्श रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, और टेम्परेचर वाइज भी जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिप हुआ है। तो एक्चुअल में जो क्या वेदर रहेगा तो उसके लिए हम आप लोगों को वेल इन टाइम इन्फॉर्म करेंगे जब भी इस टाइप का सिचुएशन रहता है, तो वेल इन टाइम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। अभी देखो ऑलरेडी दिसंबर में हम इंटर कर चुके हैं, तो टेम्परेचर भी -1 -2 तक भी गया है ऑलरेडी, तो इसी के आसपास ही रहेगा। कमिंग डेज में थोड़ा सा फॉल होने के चांसेस हैं, अब नॉर्मल्स भी जो है उसी हिसाब से कम होंगे, और पीक विंटर खासकर चिलाई कनान का पीरियड भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस में ही रहेगा।